जीवन का यही अनुभव है कि मेरे पति का ही सुख मेरा सुख है और मेरे पति का ही दुख मेरा दुख है। बोलो, पत्नी का अपना ना निजी कोई सुख होता है ना अपना निजी कोई दुख होता है। पति का सुखी उसका सुख है, पति का दुखी उसका दुख है। हे स्वामी, आपको जो प्राप्त होगा उसी में मैं दुख होगा तो दुख का अनुभव कर लूंगी, सुख होगा तो सुख का अनुभव कर लूंगी। मेरा अपना निजी ना कोई सुख है ना दुख है। महाराज, मनु की आंखों में आंसू आ गए कि ऐसी पत्नी मुझे मिली है। बोलो भाई, इतना सहयोग करने वाली पत्नी अगर किसी को मिल जाए तो परमात्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? परमात्मा मिलेगा। मैं तो कहता हूं कि परमात्मा बहुतों को मिलता है, लेकिन पत्नी अगर पति के अनुकूल हो, पति धर्म के अनुकूल हो, तो परमात्मा पुत्र बनकर के प्राप्त हो जाता है। ये सबसे बड़ी विशेषता है, पुत्र बनकर के परमात्मा प्राप्त हो जाता है। शर्त यह है कि पत्नी पति के अनुकूल हो, पति धर्म के अनुकूल हो। इसलिए शत्रुपा जी पति के अनुकूल हैं और महाराज मनु धर्म के अनुकूल हैं। बोलो भाई, सिस्टम चला रहा है कि नहीं चला रहा है? ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथों से बजती है, याद रखना। कभी एक हाथ से ताली नहीं बजाई जाती है, ताली दोनों हाथों से बजती है। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। बस परिवार में यदि शांति चाहिए, अपने घर को तीर्थ बनाना है, तुम्हारा ही घर नैमिषारण्य बन जाए, तुम्हारा घर अयोध्या बन जावे, तुम्हारा घर वृंदावन बन जावे, तुम्हारा घर मथुरा बन जावे, तुम्हारा घर चित्रकूट बन जावे, तुम्हारा घर ही हरिद्वार बन जावे। इसके लिए पत्नी पति के अनुकूल रहे और पति धर्म के अनुकूल रहे, सारे तीर्थ तुम्हारे घर के अंदर ही आ जाए। आज आंखों में आंसू आ गए महाराज मनु के कि मेरी पत्नी कितना सहयोग कर रही है। राज सिंहासन पर बैठ करके मैं राज संता का संचालन करता था, तब भी मेरी पत्नी शत्रुपा मेरा सहयोग करती थी, और आज मैं राज्य का त्याग करके जा रहा हूं तीर्थ की ओर, मेरी पत्नी मेरा सहयोग कर रही है। नेत्रों में आंसू आ गए। ये प्रेम के आंसू हैं, ये दुख के आंसू नहीं है। आजकल तो दुख के आंसू ज्यादा निकल रहे हैं, प्रेम के आंसू तो कम ही निकल रहे हैं। महाराज मनु के आंसू प्रेम के आंसू हैं। प्रतिष्ठानपुर को प्रणाम किया है, जब प्रतिष्ठानपुर के राजा हैं, छोड़ा है महाराज मनु ने प्रतिष्ठानपुर, तो पहले प्रणाम किया है, वहां की मिट्टी को मस्तक से लगाया है। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम्हारे प्राण निकलते हैं, इसके पहले अगर तुम्हें होश है, अगर तुम जरा सा भी एहसान मानते हो, तो ईमानदारी के साथ बताओ, मन ही मन अगर वैसे प्रणाम नहीं कर पा रहे हो, तो मन ही मन प्रणाम करते हो पृथ्वी को कि नहीं करते हो कि आज मैं तुझे छोड़ करके जा रहा हूं? तूने मुझे रहने का आधार दिया है, तूने मुझे जीने का आधार दिया है, तूने मुझे सम्मान भी दिलाया है, आज मैं तुझे छोड़ करके जा रहा हूं। बोलो, अगर जरा सा भी होश रहता है तो प्राण निकलने के पहले ही ईमानदारी से बताओ, पृथ्वी को प्रणाम करते हो कि नहीं करते हो? करते हो प्यारी। और सत्यता तो यह है कि प्राण निकलने के पहले भूमि पर ही लिटाया जाता है। कहां लिटाया जाता है बोलो, सिस्टम क्या है? भूमि पर लिटाया जाता है। इसका मतलब यह है कि तुम भूमि पर साष्टांग पड़े हो। बस अंतर इतना है कि साष्टांग प्रणिपात में हमारा सिर नीचे होता है, हमारी नाशिका, हमारे अंग सारे पृथ्वी पर, लेकिन जब हम जाते हैं तो हमारे सारे अंग ऊपर आकाश की ओर होते हैं। बोलो, होते हैं कि नहीं? जब हम जाते हैं तो हमारे अंग किसकी ओर संकेत देते हैं? आकाश की ओर संकेत देते हैं। और जब हम जीवंत अवस्था में भूमि को प्रणाम करते हैं, किसी देवता को प्रणाम करते हैं, तो सारे अंग हमारे पृथ्वी की ओर होते हैं। आज महाराज मनु जीवंत अवस्था में चूंकि त्याग कर रहे हैं, तो त्याग करने का मतलब है कि अब मैं दोबारा लौटूंगा नहीं, छोड़ के जा रहा हूं, दोबारा नहीं लौटूंगा मैं।
रज को उठाया, मिट्टी को माथे से लगाया, प्रतिष्ठानपुर की जनता को आशीर्वाद दिया है कि विश्वास करना, मैंने अपने पुत्र तानपाद के सिर पर सोने का मुकुट रखा है, संपूर्ण राज्य का दायित्व दिया है, मेरा बेटा वो तानपाद तुम्हें दुखी नहीं करेगा, तुम्हें दुखी नहीं करेगा, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं। याद रखना, घर छोड़ने के पहले, इस संसार को छोड़ने के पहले हर पुत्र को ऐसा व्यवहार करना चाहिए अपने माता पिता के सामने कि माता पिता इस विश्वास के साथ इस देश को छोड़ करके जाएं, इस जगत को छोड़ करके जाएं कि मैंने जिस धर्म कर्म के साथ अपना जीवन का निर्वाह किया है और परिवार का संचालन किया है, व्यवहार का संवर्धन किया है, धन का संग्रहण के साथ साथ दान करने में मैंने अपने धन को समर्पित किया है, मुझे विश्वास है कि मेरी संतान भी यही सत्कार करती रहेगी, ऐसा सोचते सोचते यदि वो प्राण त्यागता है तो निश्चित रूप से संतान को बहुत बड़ा आशीर्वाद दे करके गया है, वो बूढ़ा गया है तो बहुत बड़ा आशीर्वाद दे करके गया है। महाराज मनु ने आशीर्वाद दिया और चल दिए, चल दिए। अब शत्रुपा जी की आंखों में भी आंसू आ गए, वो तानपाद तो रो ही रहा है। जैसे ही जाने लगे महाराज मनु शत्रुपा, तो तानपाद जी ने प्रणाम किया, चरण पकड़ लिए, और याद रखना क्या कहा है शत्रुपा जी ने अपने पुत्र से। शत्रुपा जी ने आशीर्वाद देकर के कहा कि बेटा मैं आज घर छोड़ करके जा रही हूं, लौट के इस घर में मैं प्रवेश नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे पति ने कहा है ना कि मैं लौट के नहीं आऊंगा, मैं भी लौट के नहीं आऊंगी, लेकिन इतना विश्वास रखना कि जो तेरे पिता ने तुझे मर्यादा दी है, जो तेरे पिता ने तुझे ज्ञान दिया है, जो तेरे पिता ने तुझे संस्कार दिए हैं, उस मर्यादा उस संस्कारों को लेकर के तुम राज्य का संचालन करना, मैं कहीं भी रहूंगी मेरी दुआएं वहीं से तुझे प्रतिदिन मिलती रहेंगी, प्रतिदिन मेरी दुआएं मेरा आशीर्वाद तुझे मिलता रहेगा, ये मैं वचन दे करके जा रही हूं। इसका मतलब है कि माता पिता दोनों संतुष्ट होकर के गए कि नहीं गए, बोलो भाई, माता पिता दोनों संतुष्ट होकर के गए हैं। और आपको सही बात बता दूं, आप ये कह सकते हो कि महाराज मनु और शत्रुपा के लिए उत्तानपाद ने प्रबंध क्या किया है नैमिषारण्य में। आप भगवान की शरण में जा रहे हैं तो आप संतान से आशा ना रखें कि संतान प्रबंध करेगी, आप यदि भगवान की शरण में जा रहे हैं तो आपका प्रबंध भगवान करेगा, संतान पर विश्वास मत करना, भगवान प्रबंध करेगा। अनन्यास चिंतियंतो माम ये जनः परिउपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अगर आप भगवान की शरणागति लेते हैं, भगवान की शरण में जा रहे हैं, तो आपको संतान पर विश्वास नहीं करना है, भगवान पर विश्वास करना है। आप भूखे नहीं रह सकते, आपको सब कुछ मिलेगा, अन्न जल मिलेगा, फल मिलेगा, और तपस्या का फल भी मिलेगा, भजन का फल मिलेगा, ना जाने कितने प्रकार के फल मिलेंगे आपको। इसलिए महाराज मनु कैसे जा रहे हैं, पंथ जात सोहत मत धीरा ज्ञान भगति जनो धरे शरीरा। पंथ जात सोहत मत धीरा, सुंदर लग रहे हैं, रामायण का प्रमाण है, शास्त्र कहता है कि महाराज मनु शत्रुपा सुंदर लग रहे हैं। श्रीमद् भागवत में भी आप मनु शत्रुपा का चरित्र सुने तो वेद व्यास भगवान ने भी यही कहा है कि बहुत सुंदर लग रहे हैं,
रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा बहुत सुंदर लग रहे हैं। उम्र क्या है? भवन बसत भा चौथपन चतुर्थ अवस्था बुढ़ापा। अच्छा, जवानी की फोटो अगर तुम्हारी घर में रखी हो, बूढ़ों से कह रहा हूं मैं बूढ़ों से कह रहा हूं, वृद्धों से कह रहा हूं, जवानी की फोटो अगर तुम्हारे घर में रखी हो तो जरा जवानी की फोटो हाथ में लेना, एक हाथ में, और दूसरे हाथ में शीशा लेना, और फिर आप अपना बुढ़ापे का चेहरा देखना और जवानी की फोटो देखना, तो आप यही कहोगे हम ऐसे थे ऐसे हो गए, ऐसे थे ऐसे हो गए। क्यों भाई, यही करते रह जाओगे कि नहीं करते? ऐसे थे हम, ऐसे ऐसे ऐसे, अब ऐसे हो गए। बुढ़ापे में ईमानदारी के साथ बताओ, शरीर के संपूर्ण अंग पहले तो शक्तिहीन हो जाते हैं, और दूसरी बात यह है कि जो जवानी का सौंदर्य है वो सौंदर्य बुढ़ापे में रहता नहीं है। बोलो, रहता है क्या? नहीं रहता है। तो बुढ़ापे में कोई सुंदर रह नहीं पाता है, क्योंकि बुढ़ापा सुंदर रहने नहीं देता। कितनों कोशिश करो। अच्छा एक बात बताओ, बाल तुम्हारे सफेद हुए, तुमने खिजाब लगा लिया, काले कर लिए, बोलो कर लिए कि नहीं कर लिए? अच्छा चलो, दांत गिरे, तुमने बत्ती लगा ली, नकली दांत जिनको कहते हैं, नकली दांत, नकली काले बाल। अच्छा सही बताओ भैया, कपड़े भी तुमने बहुत ही अच्छे मॉडर्न पहन लिए, लेकिन जब चलोगे तब कैसे चलोगे? बोलो कैसे चलोगे, ईमानदारी से बताओ। बुढ़ापे में जवानी की चाल चलोगे कि जवानी बुढ़ापे की चाल चलोगे? बोलो भाई, बुढ़ापे में जवानी की चाल नहीं, मेकअप तुम जवानी का बुढ़ापे में कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी चाल तो बूढ़े जैसी ही रहेगी। बोलो रहेगी कि नहीं रहेगी? बल्कि आजकल तो हम ये देख रहे हैं कि पहले के जो नौजवान थे वो तो बुढ़ापा भी देख रहे हैं, लेकिन आजकल के जितने भी लड़के हैं, जवानी हजम, सीधा प्रमोशन बुढ़ापे में। जवानी हजम दिखाई ही नहीं दे रही है, प्रमोशन हो गया, सीधा बुढ़ापे का प्रमोशन हो गया है, ये कंडीशन है। सावधान, चाहे आपकी जवानी हो और चाहे आपका बुढ़ापा हो, सुंदर वही है जिसका चरित्र सुंदर है। चाहे जवानी हो चाहे बुढ़ापा हो, सुंदर वही है जिसका चरित्र सुंदर है। आज महाराज मनु शत्रुपान तीर्थ की ओर जा रहे हैं, संतों के पास जा रहे हैं, जहां 88,000 ऋषि मुनि महात्मा रहते हैं, गोमती जी का पावन तट है वहां जा रहे हैं, जहां पर यज्ञ हो रहा है वहां जा रहे हैं, इसलिए सुंदर लग रहे हैं। आज चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बूढ़ा हो बालक हो, अबाल वृद्ध नारी, आज इसलिए सुंदर लग रहे हैं यहां, क्योंकि आप समरसता महा कुंभ में कथा सुन रहे हैं, संतों का दर्शन कर रहे हैं, इसलिए आप सुंदर लग रहे हैं।